लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने, उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौड़ को धमकी दी तो उसने फोन काट दिया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार सुबह एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें फोन करके गालियां दी और गोली मारने की धमकी दी। राठौड़ ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कॉल करने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल समेत कई नेताओं ने राठौड़ से बात करके घटना की जानकारी ली। शुक्रवार सुबह मदन राठौड़ के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही सामने वाले ने उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। धमकी देने वाले ने कहा, तू बहुत उछल कूद कर रहा है, तुझे गोली मार दूंगा, राज्यसभा में इसलिए भेजा है क्या? यह सुनकर राठौड़ ने तुरंत दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अब कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। इस घटना के बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने राठौड़ से संपर्क किया और अपनी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने भी राठौड़ से बात की और घटना की जानकारी ली। यह घटना राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। राठौड़ के स्टाफ ने उस नंबर पर वापस कॉल किया जिससे धमकी मिली थी। कॉल करने वाले ने पहले खुद को बिहार का बताया, फिर अनूपगढ़ का। जब उससे धमकी का कारण पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके बाद बार बार कॉल करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। यह घटना चिंताजनक है और इससे राजनेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RPD न्यूज, जयपुर। आपका हाउस एडजॉइन हो गया था आज, तो मैं घर पे आया। घर पर जब आया तो एकाएक यहाँ पर मेरे टेलीफोन पर, मेरे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक कॉल आया। तो मैंने कहा, हाँ भाई साहब, मेरी आदत है, मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। तो उसने अनर्गल गालियाँ बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और के बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है, तू राज्यसभा में इसलिए आया है क्या? और अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फ़ोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था, और अनर्गल मतलब मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियां बोलता जा रहा था। अच्छा, उसके उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की, हमारे मित्र हैं उन्होंने भी कोशिश की, एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर, लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने, उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौड़ को धमकी दी तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद अब फोन वो मतलब रिसीव ही नहीं कर रहा है, बार बार काट रहा है। लगभग 2 मिनट तो कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे, तो इसलिए समझ में नहीं आया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, और मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिससे मुझे कोई धमकी दे, और वो भी बिहार का व्यक्ति क्यों धमकी देगा मुझे, क्या लेना देना आप।